मुझे जिस बात का शक था वही हुआ, इस इंसान ने इमोशनल गेम खेल लिया। देखिए, परेशानी हर किसी के साथ होती है, हर किसी के यहाँ प्रॉब्लम है, किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ कुछ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को भी दो कौड़ी का इंसान कह दें। इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है इस बात का। आपने मेन बात तो छेड़ी ही नहीं कि आपने हमें दो कौड़ी का इंसान क्यों कहा, नीचे लेवल का इंसान क्यों कहा, राखी सावंत क्यों कहा। कोई आपसे सवाल करता है तो आप उसको दो कौड़ी का इंसान कहते हैं। अगर आपकी कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो आप उसे कॉल करके धमकाते हैं, आप गुंडे हैं। वाह। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मैं हैकर नहीं हूं, ठीक है। आपके घर में कोई टीचर रहा, आपके आई एम श्योर आपके घर में कोई टीचर था, राइट? तो एक टीचर होता है प्राइमरी टीचर, जो बच्चों को ABCD सिखाता है, आई एम श्योर आपने सीखी होगी ना। और एक होता है प्रोफेसर, जो बच्चों को एडवांस चीजें सिखाता है। जो प्राइमरी टीचर होता है वो एडवांस चीजें इतनी नहीं जानता या वो नहीं सिखाता। तो क्या आप प्राइमरी टीचर को ये बोलते हैं कि आप टीचर नहीं है, आपको टीचर का टी भी नहीं आता, ऐसे बोलते हैं? अगर आप ऐसे बोलते हैं तो आप एक क्लास भी पढ़े हुए नहीं है, मुझसे लिखवा के ले लो। या तो आप नकल करके पास हुए हैं, या तो आप घूस दे के पैसे के दम पर पास होके इंजीनियर बने। दूसरी बात, आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई चीज कोई पढ़ा रहा है तो कोई प्राइमरी टीचर भी हो सकता है जो बेसिक्स बताता है, वो भी एक टीचर है। और एक प्रोफेसर होता है जो बड़ी चीजें बताता है, वो भी एक टीचर ही है, वो भी एक टीचर है, राइट? जो सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाता है। तो क्या प्राइमरी टीचर को ये बोल देंगे कि आप टीचर नहीं हो, आपको टीचर का टी भी नहीं आता? चप्पल खोलेगा चपरासी स्कूल का और जूते मार के भगा देगा बाहर से, समझ रहे हो मेरी बात? जूते मार के भगा देगा। अब लोग बोलेंगे कि सागर ऐसी बात है तो हैक करके दिखा। मेरे तो हैक करने की नौबत आई नहीं, 12 साल के बच्चे ने, एक 12 साल के 12 13 साल के बच्चे ने सौरभ की वेबसाइट को हैक भी कर दिया है, और उस वेबसाइट को जो ऑर्डर होते हैं ना वो प्लेस भी कर दिए हैं 1 रुपए में सिर्फ बर्ब सूट का इस्तेमाल करके चुटकी में हैक कर दिया। और ये बात करते हैं कि हैकिंग नहीं सिखा सकता कोई, क्या है ये? अगर हैकर्स कम्युनिटी में बोलोगे ना, तू हैकर नहीं है, जूते मारेगा तुम्हें। सर जूते पढ़ने चाहिए तुमको, जिस तरीके की बात तुमने की है ना, तुम्हें जूते पढ़ने चाहिए। हैकर्स की कम्युनिटी सिर्फ प्रो हैकर्स की नहीं होती, या एक ही तरीके के हैकर्स नहीं होते, बहुत तरह तरह की स्पेशलिटी होती है। हर इंसान की अलग स्पेशलिटी होती है। कोई सॉफ्टवेयर में बग्स ढूंढता है, कोई अरे मैं किससे बात कर रहा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, जाहिल से बात कर रहा हूँ। तुम पढ़े लिखे गंवार हो, तुमसे बोल रहा हूँ, तुम पढ़े लिखे गंवार हो। तुम्हारा थोपड़ा और तुम्हारा चैनल दोनों के 12 बजे हुए हैं, वो तुम्हारे चेहरे से ही दिख रहा है। रही बात क्विट करने की, आपने बोला कि मेरे चैनल पर कोई स्ट्राइक नहीं है। अच्छा, स्ट्राइक नहीं है? आपको पता है मेरे चैनल पर 3 स्ट्राइक आ गई थी, उसके बाद 1 स्ट्राइक हटी है, उसके बाद मेरी जो अपलोडिंग है 2 हफ्ते बाद शुरू हुई है। स्क्रीनशॉट देख सकते हो, अब भी स्ट्राइक है। मैं झूठ नहीं बोलता, आई एम श्योर आपके इतने बड़े चैनल पर अगर स्ट्राइक आ जाएंगी तो आप भी टूट जाएंगे और आपका भी वीडियो डालने का मन नहीं करेगा। बोलते मैंने 2 वीडियो डालता हूं, मैं ये करता हूं, मैं इंडिया का पहला यूट्यूबर हूं जिसने ऐसे किया है। आपने पहले ये भी कहा था कि मैं इंडिया का पहला यूट्यूबर हूं जो सिर्फ अनबॉक्सिंग करता है, रिव्यू नहीं करता। क्या आपने सारे चैनल देखे थे? क्या इंडिया के सारे चैनल आप देख चुके हैं, छोटे बड़े सारे? मेरे ख्याल से आप नहीं देखे होंगे, लेकिन आपको बढ़ाई करने का बहुत शौक है अपना, और आप भगवान अब भी भगवान बनना चाहते हैं, और आपको पता है कि पूरे YouTube पर आपका खुलासा खुल चुका है, आपकी वाट लग चुकी। मैं वाट शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्क्रीनशॉट की बात करते हैं, ओपन अप केस के बारे में बात करते हैं। ओपन अप केस में ये भाई साहब बोलते हैं कि मैंने पूरा षड्यंत्र रचा था, कि मैंने उसको घेरा था ताकि मेरे को तो पता था वो वेबसाइट फ्रॉड है, वेबसाइट वो है, ये है। अगर आपको ऐसा पता था तो आपको सारे यूट्यूबर से बात करनी चाहिए थी, एक बार आप मुझे मेल तो करते। इनका कहना था कि मैं मेल करता तो मिलता नहीं इन्हें, आप आए दिन रिव्यू वीडियोस बनाते हैं, आपने वेबसाइट की विक्स की बनाई है, घटिया सर्विस है, उसका जवाब आज तक नहीं दिया आपने। वो इतनी, आप बोलते हैं कि आप एक प्रोफेशनल सो कॉल्ड एथिकल हैकर हो और आपको ये नहीं पता कि वो वेबसाइट फेक है। आप भी एक टेक्निकल बंदे हैं, आपको नहीं पता कि विक्स की जो वेबसाइट सर्विस है कितनी खराब है? आपने एक बार भी मेंशन की इस बात को जब आप रिव्यू कर रहे थे? नहीं की, क्योंकि आपके मुंह में पैसे ठूसे गए थे। आप बोलते हो यूट्यूबर्स को बहुत सारे मेल आते हैं, मेल मिलते नहीं है, और बिजनेस मेल में सारे मेल सबको मिलते हैं, ये मैं भी जानता हूं। आपको भी जब पैसे ठूंस के किसी चीज के रिव्यू करने के लिए मेल्स आते हैं तो आपको सबसे पहले मिल जाते हैं और आप रिव्यू वीडियो बना देते हैं। वो लोग आपको ईमेल से ही तो कॉन्टैक्ट करते हैं ना, कॉल तो नहीं करते होंगे आपको। वो मेल्स तो आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं। आपने मुझे कभी डायरेक्ट मेल नहीं किया क्योंकि आपके अंदर अकड़ और घमंड बहुत ज्यादा है। मेरी लड़ाई आपसे कुछ नहीं थी, हर इंसान का काम करने का तरीका अलग होता है, सब थोड़ा गलत होते हैं, सब थोड़ा ठीक होते हैं। मैं भी दूध का धुला नहीं हूं, आप भी दूध के धुले नहीं हो, लेकिन किसी इंसान को इतना नीचे गिराना, क्या मचा रखा है यूट्यूब पे आपने? कौन खुश है आपसे? एक इंसान बता दो कौन खुश है तुमसे? तुम्हारी सबसे लड़ाई हुई है, सबसे। मेरी हिस्ट्री देख लो, मेरी एक मिसअंडरस्टैंडिंग किसी के साथ हो गई थी, तुम्हारी किस किस से लड़ाई नहीं हुई? 1, 2, 3, 4, सबसे लड़ाई हुई, सब बेईमान है, तुम ईमानदार हो।
तुम दुबई के व्लॉग्स, अब मैं बात करता हूँ थोड़ा कि चांदी का चम्मच लेके, और वो तो मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा तुम्हारी, तो अच्छे से मैं करूंगा, वो तो अलग बात है। तुम दुबई के व्लॉग बनाते हो, बुर्ज खलीफा दिखाते हो, है ना, पाम जुमेरा, ये मेरा घर है, ये है, मैंने पैसे, क्लिक बेटिंग की बात करते हो, मैंने ऑडी ले ली, क्वेश्चन मार्क, मैंने ऑडी ले ली, पैसे कितने कमाते हो, और वीडियो के अंदर बोलते हो कि तुम अल्टो लेने की औकात है तुम्हारी, ये बोलते हो तुम, पाम जुमेरे दिखाते हो, ये दिखाते हो, और कभी ये बोला है तुमने कि दुबई में जाने वाले जो वर्कर हैं इंडियन, उसके पासपोर्ट तक छीन लिए जाते हैं, उनको गुलाम बना के रखा जाता है, उन वर्कर्स की जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं जो वहां काम करने जाते हैं, उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है ताकि वो यहां वापस ना आ पाए, वो लोग वहां फंस जाते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहां से लोग जाते हैं और वो अपने घर वापस नहीं आ पाते। लेकिन तुम्हें सिर्फ चकाचौंध दिखानी है, तुम सच्चाई से बहुत दूर हो। तुमने आज तक ये बात बताई कि दुबई में कितने लोग फंसे हुए हैं, उनके साथ क्या होता है, जितने भी अमीर शेख हैं वो कैसे गुलाम बना के रखते हैं, पता है, बताई कभी बात ये? नहीं बताई ना। तुम्हें क्या जरूरत है, तुम्हें कोई लेना देना है, तुम सिर्फ यहां पैसे छापने आए हो, दूसरों को गिराने आए हो, दूसरों को राखी सावंत बोलने आए हो, दूसरों को दो कौड़ी का इंसान बोलने आए। और रही बात मेरे हैकर प्रूफ करने की, तो तुम कोई नहीं होते कि जो तुम्हें हैकर प्रूफ करूं, फिर भी चाहते हो कि तुम्हारी वेबसाइट की जो वाट लगी हुई है ना, वो वीडियो सर्कुलेट हो जाएगी, वो लोगों को मिल जाएगी, वो जिसने भी की है 12-13 साल का बच्चा है, वाट लगा दी बर्फ सूट से तुम्हारे वेबसाइट की, मेरे तक तो बात ही नहीं पहुंचेगी, नीचे वाले लोग ही देख लेंगे तुम्हें। तुम्हें पता है मैं कब से काम कर, तुमने 2007 में YouTube देखना शुरू किया था ना, 2007 में मैं इसी फील्ड में था, मेरी क्या स्पेशलिटी है लोग मेरे जानते हैं, मैं कैसे समझा लेता हूँ चीजों को, इथिकल हैकिंग की चीजों को कितने अच्छे से मैं कंसेप्ट इंडिया में क्लियर कर देता हूँ, ये लोग जानते हैं। मैं YouTube पर किस तरीके से इथिकल हैकिंग को इंडिया में सामने लेकर आया हूँ, लोग जानते हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं कितना प्रोफेशनल हैकर बना देता हूँ, सवाल ये है कि किसी ने तो इनिशिएटिव लिया, कोई तो कुछ नॉलेज शेयर कर रहा है, कोई तो कुछ बता रहा है, एटलीस्ट लोगों को जागरूक तो कर रहा है। मैंने बिगिनिंग से सिखाना शुरू किया है, मैंने उन लोगों को इथिकल हैकिंग की होप दी है जिन्होंने उसके बारे में कभी सुना भी नहीं था। और तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम न्यूज पढ़ पढ़ के रट रहे हो, मेरी चीज देखोगे ना जो मैं पढ़ाता हूँ, तुम्हें 10 आर्टिकल में नहीं मिलेगी, लेकिन तुम जो बताते हो ना वो हर दूसरे टेक क्रंच, ये फलाना ढिकाना, सारे में वही है, उतार दिया यार, बोलते हैं मैं दिन की दो वीडियो बनाता हूँ। और मैं आपको बता दूं, ये दिन की वीडियो जो बनाता है ना, ये पहले से शूट करके रख लेता है, शेड्यूल कर देता है, और कहीं पब में डांस कर रहा होता है और ये तुम्हारी वीडियो वहां तुम्हें पब्लिश हो जाती है, ये है सच्चाई। और नशा तो तुम करते हो, ये सब जानते ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। खैर, नशा करना अपना पर्सनल बात है, लेकिन तुमने मुझे राखी सावंत कहा, इसीलिए मैंने तुम्हारी सच्चाई तुम्हें बता दी। और तुम दूसरे यूट्यूबर्स को पैसे देते हो ताकि वो मेरे खिलाफ वीडियो बना सके, उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा मैं अगर बोलोगे तो, और मुझे परमिशन दो, मैं तुम्हारी वेबसाइट जो हैक हुई है उसका POC तुम्हें सेंड कर दूंगा, देख लेना, पता चल जाएगा कौन इथिकल हैकर है और क्या है। मैं तुम तुमसे लॉजिकल बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि तुम तो इथिकल हैकिंग फील्ड, तुम हैकर्स कम्युनिटी से तुम्हारा दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। तुम क्या जानते हो हैकर्स कम्युनिटी क्या होती है, कौन क्या रोल अदा करता है हैकर्स कम्युनिटी में, बैक एंड लोग क्या होते हैं, बैक एंड के लोग क्या होते हैं, सामने वाले क्या होते हैं, डेमो देने वाले, डेमोन्स्ट्रेशन देने वाले, पेन टेस्टर्स क्या होते हैं, वेबसाइट में बग ढूंढने वाले क्या होते हैं। आपको पता है जितने भी इथिकल हैकर्स होते हैं बहुत हम्बल होते हैं, मैं बहुत हम्बल हूं लेकिन मुझे वायलेंट होना पड़ता है। मेरे ऐसे दोस्त हैं इतने सारे जो इतने प्रोफेशनल हैकर्स हैं, पेमेंट सिस्टम, पेमेंट गेटवे के मास्टर्स लोग मेरे साथ हैं, मेरे से बात करते हैं, वो जो लोग जानते हैं ना, जो खोखले नहीं होते, उन्हें विनम्रता होती है, उनमें तुम्हारी जैसे बकवास नहीं करते वो। और तुम बोलते हो कि YouTube सबके लिए सेम है, तुम्हारे लिए सेम है, हमारे लिए सेम है, हमें प्रॉब्लम हो जाती है तो हफ्ते हफ्ते भर रिप्लाई नहीं आता, तीन तीन दिन तक रिप्लाई नहीं आता, और तुम्हें YouTube इंडिया से कॉल आ जाती है, आती है ना, इस बात को झूठ मत बोलना, क्योंकि मैं इसको साबित कर सकता हूँ कि तुम्हें YouTube इंडिया कॉल करती है, जो भी YouTube इंडिया के जो इंचार्ज हैं आके वो तुम्हें कॉल करते हैं, ये सब जानते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर गंदगी कौन फैला रहा है, नेगेटिविटी कौन फैला रहा है, मेरा कोई भी मकसद नहीं है नेगेटिविटी फैलाने का, और मोटिवेशन की वीडियो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मोटिवेशन की वीडियो मैंने भी बनाई है, YouTube पर जो काम करके क्या मोटिवेशन होता है, कैसे पैसे कमाते हैं, क्या करना है, इन सब की बहुत मोटिवेशन मैंने भी दी है, शायद आपने भी मेरा चैनल देखा नहीं है अभी। हम सब यहाँ काम करने आए, सिखाने आए, मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप सबको गाली दो, मैं भी नहीं सिखाता आपकी किसी को गाली दो, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार करे, आपको नीचे गिराए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके, तो चुप मत बैठो, जवाब दो। अब देख सकते हो जब एक दो कौड़ी का इंसान सामने आता है ना, तो ये जितने भी बड़े ऊंचे हैं ना कैसे ढह जाते हैं, और ढहते हुए आप देख रहे होगे। मैं रुकूंगा नहीं जब तक मुझे और मेरे जैसे जो क्रिएटर हैं उनको तुम पब्लिकली सॉरी नहीं बोलते। अभी तुमने सिर्फ राखी सावंत को सॉरी बोला है, हमें तुमने जो बोला है हमें सॉरी नहीं बोला, अकड़ है इस इंसान की है। तुम इसकी वीडियो के कमेंट देखो, जब मैं बोलूंगा तो सब चुप हो जाएंगे, सब गला फाड़ रहे हैं। इनकी जो ये जो पिन किए ने कमेंट, उनमें देखो क्या लहजा लिखा है, बहुत गुस्सा और अकड़ दिखती है, लेकिन ये जो दोगला इंसान कैमरे के सामने आया ना, ये बिल्ली की तरह रोता हुआ आया है, इसकी आंखें देखो, इसका मुंह देखो,
इसके चैनल के स्टैटिस्टिक्स सोशल ब्रीड पे जाके देखो, क्या हालत है, पब्लिक पागल नहीं है। मुझे सॉरी बोलो, तुम रोल रहे ना, मैं जीत गया। और तुम ये जो ओपन केस आपका, वो ओपन अप केस का बोल रहे हो ना भैया, ये तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हुआ है। अगर तुम स्मार्टली चलते ना, लोगों को बोलते, लोगों का नुकसान हुआ है। मैंने स्टूडियो में क्या बोला था, ये गैम्बलिंग की तरह है, इसमें आप हार भी सकते हैं। उस वक्त में सही में मैंने पैसे जीते थे, मैं 10 लोगों से तो वेबसाइट खिलवा के नहीं देखूंगा, जो मेरे को हो रहा है मैंने जीता है, मैंने उसका रिव्यू दे दिया। बाद में अगर कोई वेबसाइट खराब होती है तो क्या उसमें मेरा दोष है? नहीं। आप ही सबको बता सकते थे कि ये बात है। दूसरे यूट्यूबर्स ने जो वीडियो डाली है, शायद पहले उनको नहीं पता होगा कि ये वेबसाइट फ्रॉड थी, इसलिए नहीं, ये वेबसाइट फ्रॉड है इसलिए ये कर दिया, मैंने इतने पैसे कमाए, नमस्कार, क्या है ये? तुम्हारी मैं वाट लगा रहा हूं, लगातार रहूंगा, जब तक तुम टेक्नो नुहेज मुझे, जितने भी हमारे कम्युनिटी है, जितनी भी यूट्यूब की, कोई खुश नहीं है तुमसे, मैं बता दूं, कोई खुश नहीं है। तुम जनता को मैनिपुलेट कर रहे हो ना, कोई यूट्यूबर खुश नहीं है, सब मेरे साथ हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि तुम एक घटिया इंसान हो, समझे? और जितनों को तुमने खरीदा है ना, उनकी भी वाट लगाऊंगा मैं। मेरा चैनल आज डिलीट होता हो, कल डिलीट होता हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं जब तक जिंदा हूं तेरी वाट लगाऊंगा, जब तक तू सॉरी नहीं बोलेगा पब्लिकली, तेरी वाट लगाता रहूंगा। मैं दूध का धुला नहीं, तू दूध का धुला नहीं, लेकिन मैं तेरी वाट लगाऊंगा। तूने मुझे राखी सावंत, तूने मुझे दो कौड़ी का इंसान, नीचे लेवल का इंसान कैसे बोल? चलने दो ये लड़ाई, क्योंकि ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी। हमने कुछ गलत नहीं किया, हमारा फायदा उठाया गया, हमें नुकसान पहुंचाया गया, हमें गलत बोला गया, हम चुप नहीं बैठेंगे, ये लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। किसी को गाली नहीं देना आपको, लेकिन आप लोग जानते हैं कि किसको क्या करना है और किसको क्या दिखाना है, ठीक है? जाइए, अपना काम कीजिए, धन्यवाद।